आज मैंने बनाया है ये डोरमैट। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने इसमें बीच में मैटी की डिजाइन दी हुई है और देखिए ये मैंने तिकोने चार डिब्बे बनाकर इसमें सिले हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू डिजाइन, वो भी देखिए ये मेरी साड़ी है। आप चाहे तो देखिए ये छोटा सा मेरे पास डोरमैट है, ये इसमें मैटी की डिजाइन डाली हुई है मैंने, और एक मेरे पास ये साड़ी है। तो इससे इस डोरमैट को मैं बड़ा करके दिखाऊंगी आपको किस तरीके से बड़ा करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे, पहले तो हम इस साड़ी में से पट्टियां कट करके मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पट्टियां कट करनी है। बताती हूँ हमें क्या करना है। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी डिजाइन बनके तैयार होगी। देखिए अभी पहले गोला बनाएंगे इस तरीके से, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये गोला बना लिया है, अब क्या करेंगे एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से। नॉट लगा ली, अब हम इस नॉट से ही बिना फंदे डाले डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से एक। अब देखिए ध्यान से देखना, एक बार मैंने ये फंदा बुन लिया है ऐसे इस तरीके से। देखिए अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब इधर की साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे ये मैंने तीन फंदे बढ़ा लिए हैं। अब फिर से ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे, ऐसे ही अपने धागे यानी पट्टी को सिलाई के ऊपर डालते हुए और फंदे बढ़ा लेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाते जाएंगे ऐसे। मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ, इसके सिलाई के ऊपर से डालेंगे धागे को और बना देंगे, फिर इन्हें सभी फंदों को बना लेंगे इस तरीके से। देखिए ये मैंने सभी फंदों को बनाया। अब हम इधर की साइड में आ गए हैं, तो इधर की साइड से भी ऐसे ही फंदा डालेंगे ऊपर से और बना लेंगे। देखिए तो इसी तरीके से हम 30-35 फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ऐसे ही 30-35 फंदे बढ़ाएंगे पहले और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसी तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये न्यू वीडियो कैसी लगी। और तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से फंदे बढ़ाते जाएंगे और अपना चौकोर यानी तिकोना डिब्बा बनाएंगे, चौकोर नहीं बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये मैंने फंदा लिया, इसके ऊपर से अपने धागे को निकाला ऐसे और एक फंदा बढ़ा लिया। तो इसी तरीके से हम 30 फंदे बढ़ाएंगे ऐसे ही। इसी तरीके से हम बाकी फंदों को भी बढ़ा लेते हैं और 30 फंदे से ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाएंगे, हमें सिर्फ 30 फंदे ही बढ़ाने हैं, क्योंकि हमें चार डिब्बे इसी तरीके से बनाने हैं और चारों डिब्बों के एक जैसे फंदे रखने हैं, यानी किसी में 30 किसी में 31 32 नहीं करेंगे, सिर्फ 30 फंदे हम
बढ़ाएंगे। इधर की साइड आ गई तो इधर की साइड से भी हमें ऐसे ही फंदा बढ़ाना है। तो थोड़ा सा बनाकर अपने फंदे गिनकर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा बनाएंगे बस इसी तरीके से। तो देखिए मैंने इसमें 30 फंदे पूरे कर लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे देखिए। और ये मेरा तिकोना डिब्बा बनके तैयार है। तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इन सभी फंदों को अब हम एक एक करके गठा देंगे। तो इस तरीके से डबल फंदे लेंगे और कम कर देंगे, फिर से डबल लेंगे और बंद कर देंगे। देखिए इसी तरीके से हम सभी फंदों को उतारेंगे यानी बंद करेंगे। देखिए आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगी तो इस वाले न्यू डिजाइन को आप बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। और अपने घर पे आप जैसा चाहती हैं वैसा सुंदर सा न्यू डिजाइन का डोरमेट बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक तिकोना डिब्बा बनाकर दिखाया है वैसे ही हमें 3 डिब्बे और बनाने हैं। तो इसी तरीके से बस हम 3 डिब्बे और बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हम सभी को फंदों को पहले उतारेंगे ऐसे ही। देखिए कितनी आसानी से ये सभी फंदे बंद हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम सभी फंदों को बंद कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है, ये 2 फंदे बाकी हैं इन्हें भी मैं बंद कर देती हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, लाइनों को निकाल देंगे और इसमें नॉट लगा देंगे, इसमें से इसे पट्टी को निकाल देंगे और कस के नॉट लगा देंगे। देखिए एक मेरा ये तिकोना डिब्बा बन के तैयार है। तो धागे को कट कर देंगे, इस पट्टी को हम कट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें 3 डिब्बे और बनाने हैं, तो उन्हें भी बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो देखिए मैंने 1, 2, 3 और ये 4 डिब्बे पूरे बनाकर तैयार हैं। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास पहले से ही बना हुआ यानी इसकी वीडियो डली हुई है रमा चौहान के चैनल पर। तो इस वीडियो को हम, ये छोटा सा है डोरमेट मैटी वाला, तो इसे हम किस तरीके से बड़ा करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखो सभी को लगाएंगे चारों तरफ ऐसे और ऐसे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद में। तो इसकी हमें सिलाई भी करनी है, तो सिलाई करते समय हम इसे उल्टा करेंगे, पहले इधर की साइड सभी को उल्टा करेंगे ऐसे और ऐसे। ये मैंने सभी को उल्टा कर लिया है, अब मैं आपको सिल के दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने ये सभी को उल्टा कर लिया है, अब क्या करेंगे, ये मैंने सुई ली है और चालर धागा लिया है। अगर आपके पास बड़ी सुई हो तो आप ऊन से भी इसे सिल सकते हैं, बट मेरे पास यही है। तो मैंने देखिए रील का धागा चालर कर लिया है। तो आपको मैं इसी तरीके से यहाँ से किनारी पे से सिल के दिखाऊंगी इस तरीके से। तो देखिए हमें ऐसे ही सभी डोरमेट को सिलना है और इसमें कुछ भी नहीं करना, इसी तरीके से सिलना है बस। छोटी छोटी सिलाई करेंगे, बड़ी बड़ी सिलाई नहीं करेंगे और इसी तरीके से गोल गोल सिलाई करेंगे। जैसे मैंने ये वाला डिब्बा सिलाया है वैसे ही हम तीनों डिब्बों की सिलाई करेंगे और इस तरीके से हम अपने डिब्बों को अटैच करेंगे। देखिए देखिए ये मेरा डोरमैट पूरी तरह से सिल के तैयार है। देखिए इस तरीके से इसमें हम नॉट लगा देंगे 2 से 3 नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे और ये मेरा ये सिल के बिल्कुल रेडी हो गया। तो इस धागे को हम कट कर देते हैं
इसमें मैंने 2 से 3 नॉट भी लगा दी हैं और धागे को कट कर दिया। तो ये मेरा उल्टी तरफ है, मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा न्यू डिजाइन का डोरमैट सिल्की और बनके अच्छी तरह से तैयार है।